अगर आपके बच्चे भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो आपको खासा निगरानी रखने की ज़रूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। पटना के सेंट माइकल स्कूल के दो बच्चों का मंगलवार को अपहरण किया गया। बता दें, स्कूल छोड़ने वाले ड्राइवर ने ही बच्चों को अगवा कर लिया और वो बच्चे जो लेकर शहर से उनको बाहर जाने लगा, जिसके बाद दोनों बच्चों के सूझबूझ और बहादुरी के कारण उनकी पूरी प्लानिंग फेल होते हुए नजर आई। आपको बता दें, एक जगह जैसे ही ड्राइवर ने ऑटो रोका तो बच्चों ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए उस पास से गुजर रहे ग्रामीणों को बुलाकर बच्चों ने अपनी अपहरण की पूरी दास्ता और कहानी सुना दी। उसके बाद क्या था, ग्रामीणों ने ऑटो ड्राइवर की पिटाई कर पुलिस को बुलाकर उसे सौंप दिया और बच्चे बच गए। वहीं दोनों बच्चे भाई बहन, आपको बता दें दोनों बच्चे तीसरी कक्षा के छात्र रहे हैं और अभी फिलहाल 7 साल का आर्यन और 9 साल की मीनाक्षी हैं। वहीं तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं लोग, लेकिन उनके पिता का नाम ओम प्रकाश यादव है, जो कि अभी वडोदरा में सेना में हवलदार है। उनका हाल में ही तबादला दानापुर कैंट से वडोदरा में हुआ है। आपको बताते चले कि पालीगंज ASP अवधेश दीक्षित ने बताया कि परिजनों ने विक्रम थाना में अपहरण की लिखित शिकायत दी थी, तो वहीं केस दर्ज कर चालक का नाम है अभिषेक उर्फ गोपाल कुमार से पूछताछ की जा रही है। आपको बताते चले कि 2 दिनों पहले ही ऑटो ड्राइवर को रखा गया था और वो बच्चों में नाना राम प्रवेश राय ने बताया कि आर्यन और मीनाक्षी को स्कूल पहुंचाने और घर लाने के लिए ही 2 दिनों पहले ही अभिषेक को रखा गया था। आपको बताते चले कि पहले वाला ऑटो चालक किसी मामले में जेल चला गया था, जो उसके कहने पर अभिषेक को रखा गया था, जिसके बाद ऑटो ड्राइवर अभिषेक भी रेप के आरोप में जेल जा चुका है। अगर आपको पूरी घटना बताया तो बच्चों को डरा कर चुप कराया गया, फिर विक्रम की ओर से ले जाया गया और छुट्टी के समय ऑटो ड्राइवर ने बच्चों को घर जाने के बजाय दूसरी जगह ले जाने लगा। आपको बता दें, बच्चों ने जब पूछा तो उसने डरा कर चुप करा दिया। तो वहीं विक्रम के बलियारी गांव के पास अभिषेक ने गुटखा लेने के लिए एक दुकान के पास ऑटो को रोका तो बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आपको बताते चले, उन्होंने ग्रामीणों को, यानी कि बच्चों ने ग्रामीणों को रो रो कर बताया कि ऑटो वाले अंकल हमें घर नहीं कहीं और लेकर जा रहे हैं। तभी इस पर ग्रामीणों ने चालक अभिषेक को पकड़ कर पीट डाला और साथ ही ग्रामीणों ने डायल 112 पर यानी पुलिस को फ़ोन करके विक्रम थाने को घटना की सूचना दे दी और उसके बाद पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर बच्चों को कब्जे में ले लिया। आपको बताते चले कि जाम में फंसने की बात कही, क्योंकि जब फ़ोन आया कि बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं तो जो चालक था उसने बात कह दी कि जाम में फंसने के बाद है और उसके बाद फ़ोन बंद कर दिया। तो 2 बच्चों तक बच्चे घर नहीं पहुंच सके तो माँ मुन्नी रानी स्कूल पहुंची, तो वहां से उसने अभिषेक को फ़ोन किया तो उसने कहा कि गोला रोड में जाम में फंसे हैं, तो बच्चे 1 घंटे बाद भी घर नहीं पहुँचे। तो मुन्नी ने फिर चालक को कॉल किया तो नंबर बंद मिला। तो उधर जब दोनों बच्चों की बलियारी ने ग्रामीणों में बरामद किया तो उन्होंने बच्चों से नंबर लेके मुन्नी को फ़ोन किया, यानी कि बच्चों के माँ को फ़ोन करके इस बात की जानकारी दी। उसके बाद अब हमको बताते हैं कि अभिभावकों को किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ऑटो चालक को रखने से पहले स्थानीय निकटतम थाने में उसका यह वेरीफाई ज़रूर कराना उचित रहेगा, क्योंकि कोई भी संदिग्ध तो नहीं है, इस विषय में जानकारी लेना सबसे आवश्यक रहेगा। तो वहीं क्या ऑटो चालक कभी जेल गया है, अगर हाँ तो पुलिस को जानकारी दे दे। अगर उसके पास जो ऑटो है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर सही है या नहीं, इसके बारे में भी आपको जानना है एज इन पेरेंट्स, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जिस मोबाइल का वो इस्तेमाल करता है उसका सिम उसी के नाम पर है या नहीं, इस बात की भी जानकारी आप लोगों को लेने की ज़रूरत है। तो वहीं चालक का अस्थाई पता, उसका आधार कार्ड अपने पास जरूर रखें, यानी आधार कार्ड का फोटोकॉपी। आपको बताते चले कि साथ ही ऑटो चालक के बारे में यह भी जाने कि वह किसी नशेड़ी तो नहीं है या फिर कोई चीज़ का गंभीर रूप से नशा तो नहीं करता है। फिलहाल आप सबों को सावधानी बरतनी है और ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार संवाददाता। नमस्कार।